हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, ये लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैं आप लोगों को न्यू कोई दुकान शॉप दिखाऊंगी। तो ये मैं आई हूँ यहाँ पे द रेंज, रेंज के नाम से कोई यहाँ पे दुकान है और ये कोई न्यू आई थिंक खुली है। तो ये मैंने बाकी शॉपिंग सेंटर में मैंने ये दुकान नहीं देखी, तो मैं आई थी यहाँ पे कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। और यहाँ पे सारा कुछ मिल जाता है। अगर आप जहाँ पे रहते हैं आपके घर के आसपास आप चेक करें, अगर ये दुकान है तो आप एक दफ़ा लाजमी विज़िट करें, क्योंकि इसमें सारी जो घर की चीज़ें थी वो अवेलेबल है और कीमतें भी इनकी कम है और क्वालिटी बहुत अच्छी है और सारा कुछ था। और घर के जो चीज़ें होती है, बर्तन वगैरह और सफाई की चीज़ें, डेकोरेशन सामान, तो सारा कुछ था यहाँ पे। जैसे टीके मैक्स में होता है या होम सेंस में होता है, तो खैर वहाँ पे क्वालिटी इनकी भी अच्छी थी, लेकिन वहाँ पे तो कीमतें बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे गार्डन का सामान भी था और बाकी जो सब कुछ था। तो मैंने जल्दी जल्दी में वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं। और अगर मैं फुल मैप हर चीज़ वीडियो में डिटेल से दिखाऊं तो फिर कुछ लोग बोर हो जाते हैं और वीडियो भी लंबी हो जाती है। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने तकरीबन सारा कुछ देख लिया और अब हम यहाँ से निकलने लगे बाहर। और मैं दोबारा एक दफ़ा से नाम दिखा देती हूँ रेंज के नाम से। रेंज के नाम से ये एक दुकान है और यहाँ पे फिर हम घर आ गए थे और काफ़ी देर हो गई थी। तो खैर ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज मैं जो अंडे वो बॉईल कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट है वो बन गया हमारा और हम ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद बाकी की जो रूटीन है वो आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम बाहर गए थे और आज ज़रा मौसम गर्म है यहाँ पे, तो हम गए थे बाहर और वॉक करने के बाद वॉक की हम लोगों ने और ग्रोसरी की थी। यहाँ पे घर के पास एक मार्केट है, उसमें फ्रेश सब्जियाँ और फ्रेश फ्रूट वो मिलता है, तो ग्रोसरी की है और यहाँ पे मैं समझ रही हूँ ग्रोसरी। और यहाँ पे मौसम आजकल ज़रा अच्छा हो गया, गर्म हो गया। गर्मी यहाँ पे जब भी आती है तो बहुत मज़े की होती है यहाँ पे, लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि एक दो दिन बहुत गर्म होते हैं जो मतलब यहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो खैर वैसे अदरवाइज़ जो मौसम होता है यहाँ पे गर्मी का बहुत मज़े का होता है। और खैर यहाँ पे मैं जो ग्रोसरी लेके आई थी वो सारी मैंने सब्ज़ियाँ वगैरह समेट ली और जो फ्रूट्स होता है वो मैं सारा धो के, जो फ्रूट्स है वो धो के और उनको फिर उनका पानी जब निकल जाए तो फिर मैं किसी बॉक्स में डाल के और मैं रखूँगी फ्रिज में। और जो स्ट्रॉबेरीज़ है वो मैं कम लेके आती हूँ क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाती है, और ये जो ब्लूबेरीज है ये भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे वाटरमेलन भी आ चुका है लंदन में, लेकिन ये कि ये बस ये आपकी किस्मत है, तो
अच्छा, यहाँ पे जो वाटरमेलन है, तरबूजा या तरबूज, वो भी आ चुका है। और ये आपकी अपनी किस्मत होती है, ज़्यादा मतलब ख़राब निकल आते हैं, कभी कभी ये अच्छा हो जाता है, निकल आता है, तो ये आपकी किस्मत पे होता है। और ये महंगे होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि पाकिस्तान में ये इतने सस्ते होते थे, और जब गर्मियाँ ख़त्म होने वाली होती थी तो बहुत ज़्यादा ये कम कीमत में मिलते थे। तो यहाँ पे बहुत महंगे, खैर महंगाई पे और उस किसी दिन बात करेंगे। तो यहाँ पे जो ये खरबूजा है, मेलन, ये भी यहाँ पे ये लोग कच्चे ला के रख देते, स्टोर कर लेते हैं, और फिर ये जब जब भी हम लाते हैं तो ये कच्चे होते हैं। फिर हम ऐसा करते हैं कि ला के जो मेलन होता है, खरबूजा, अच्छा तरबूजा और खरबूजे में मैं कंफ्यूज होती हूँ। तो खैर यहाँ पे जो मेलन है, खरबूजा, उनको हम ला के फिर कुछ दिन बाहर रख देते हैं। जब वो पक जाता है फिर वो मज़े का हो जाता है, येलो हो जाता है, फिर हम उसको काट के खा लेते हैं। तो खैर आप भी ऐसा करें, क्या करें कि अगर आप लेके आते हैं तो हम ऐसा करते, सेब भी हम यहाँ पे अक्सर कच्चे मिलते हैं, मतलब पूरे वो पक नहीं होते, पके नहीं होते। तो जब भी हम लाते हैं फिर हम कुछ दिन बाहर रख देते हैं या गर्म जगह पे रख देते हैं, जब वो सही से पक जाते हैं फिर हम उसको काट के फिर खा लेते हैं। तो खैर यहाँ पे हम लोग लेके आए थे बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त, इसमें भी मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ अक्सर। इंग्लिश में इसके इतने ज़्यादा नाम है, मटन है, बीफ है और लैम। तो खैर ये हमारा बिल बना था, ये हम एक साथ लेके आते हैं, फिर मैं अलग अलग शॉपर में डाल के फ्रीज़र में हम रख देते हैं, फिर कुछ दिन हम पकाते हैं। तो खैर यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो बड़ा गोश्त है, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ, और काली मिर्च, हल्दी पाउडर और जो गरम मसाला है वो डाल के और कुकर में बना लेती हूँ। ये बहुत मज़े का बनता है, और यहाँ पे मैं जो ऑयल है वो ऐड नहीं करती, और हम सब्ज़ी के साथ फिर खाते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं करने लगी हूँ लंच अपना, जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी वो, और जो मैंने आपको गोश्त दिखाया था तो वो मैंने बनाया है। अच्छा यहाँ पे फिर हम आ गए हैं बाहर, और यहाँ पे शाम हो चुकी है, और यहाँ की जो शाम होती है बहुत मज़े की होती है। यूके की, यूके में जो समर्स है, गर्मियाँ, वो बहुत मज़े की होती है। यहाँ पे दिन बहुत लंबे हो जाते हैं, और मैं अक्सर वीडियो में इनका जिक्र करती हूँ कि यूके में जो गर्मियाँ होती है वो, उनमें जो दिन होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। और यहाँ पे अभी 7, 7:30 बजे का टाइम, और अभी तक धूप है, और 8 बजे, 8:30 तक यहाँ पे धूप होती है, तो 9 बजे तक यहाँ पे धूप होती है। और जून जुलाई में तो दिन और लंबे हो जाते हैं, और 9 बजे, 10 बजे तक यहाँ पे रोशनी होती है। तो खैर ये हम यहाँ पे आए थे वॉक करने, और ये बहुत मज़े का मौसम है और बहुत प्यारी जगह है, और मैं कई दफ़ा आप लोगों से इस जगह के बारे में शेयर कर चुकी हूँ और बार बार दिखाती हूँ। मुझे लगता है कि कुछ लोग अब बोर हो गए होंगे, और जो मैं शेयर करती हूँ मैं यही सोच के करती हूँ कि कोई न्यू अगर बंदा देख रहा हो तो क्या पता उसने पुरानी वीडियो ना देखी हो।
अच्छा, सिटी एयरपोर्ट के बारे में भी मैं कई दफ़ा मैं वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ, और मैं तो ज़्यादातर यहाँ पे आती हूँ वॉक करने के लिए। यहाँ पे जो ईस्ट लंदन यूनिवर्सिटी है वो भी है पास, और यहाँ पे साइड पे जो सिटी एयरपोर्ट है, तो ये दोनों बिल्कुल आमने सामने। तो बस अब हम जाते हैं घर यहाँ से, और काफ़ी थक गए हम, तो यहाँ से जाते हैं घर। और यहाँ पे हम घर आ गए, और यहाँ पे एक अच्छी बात ये भी है कि आपको अगर सिग्नल रोड क्रॉस करनी है तो आप ये बटन दबाते हैं, और जब ये ग्रीन हो जाए आपकी बारी आएगी। जो पेडेस्ट्रियन है उनकी बारी जब आती है तो ये ग्रीन हो जाता है सिग्नल, फिर आपको ये जो रोड है वो क्रॉस करनी होती है, गाड़ियाँ सारी ज़ाहिर रुक जाती है, तो ये यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। तो खैर अब हम घर पहुँच गए, तो आज मैं यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, और इसी उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मुझे दुआ में याद रखें, आपसे फिर इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।